जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट एंड नॉलेज पर। तो दोस्तों, मतलब आपको पता है कि राजस्थान विधानसभा सचिवालय में आपके रिपोर्टर और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहे थे कि सर, इसमें क्या ऑल इंडिया के अप्लाई आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, इसकी योग्यता क्या रहेगी, सैलरी वगैरह, एज लिमिट, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये लास्ट भर्ती आपके 2017 में कंडक्ट की गई थी। तो दोस्तों, 2017 का नोटिफिकेशन है, इसके बेस पर मैं आपको बताता हूँ। 13 सितंबर 2017 को दोस्तों ये वैकेंसी आउट हुई थी। इसमें दोस्तों सिर्फ आपके रिपोर्टर की वैकेंसी थी, स्टेनोग्राफर की नहीं थी। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा इस बार। लेकिन दोस्तों, आपकी स्टेनोग्राफर की 19 पद पर भी आएगी। तो दोस्तों, लेकिन पिछली बार दोस्तों आपकी रिपोर्टर की वैकेंसी थी, तो मैं वही बता रहा हूँ। दोस्तों, आपकी रिपोर्टर की वैकेंसी थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए थी। 4800 ग्रेड में यहाँ पे रखा गया था। न्यूनतम योग्यता दोस्तों ग्रेजुएशन थी आपके, जी हाँ दोस्तों। और 140 WPM आपकी स्पीड रखी गई थी और 50 WPM टाइपिंग में रखी गई थी। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसमें टाइपिंग भी होती है। टोटल 7 पद थे, 6 हिंदी के और 1 इंग्लिश के। दोस्तों, यहाँ पर एक आंग्ल लिख रहा है, इसका मतलब इंग्लिश ही होता है। बात करूँ दोस्तों पदों का विवरण का, टोटल 7 पद थे, 3 अनारक्षित पद थे। अब दोस्तों, इन मतलब अनरिजर्व की जो पद है, इनमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर अनुसूचित जाति वर्ग है, इसमें सिर्फ राजस्थान की जो SC कैटेगरी है वही आवेदन कर सकती है। अनुसूचित जाति में ST वाले और पिछड़ा वर्ग में दो मतलब OBC में दोस्तों राजस्थान के OBC वाले और विशेष योग्यजन की एक पोस्ट यहाँ पर रही थी। बात करें दोस्तों आवेदन शुल्क की, तो दोस्तों आपके टोटल 500 रुपये आपके शुल्क था। जनरल वालों के लिए 250 रुपये, अनुसूचित SC और ST वालों के लिए यहाँ पर रखा गया था। दोस्तों, आयु की गणना उस समय दोस्तों 1/1/2018 तक की गई थी। तो दोस्तों, अगर इस 2022 में वैकेंसी आती है, जो कि आपके आएगी सितंबर या अगस्त के लास्ट तक, तो दोस्तों आपकी जो आयु की गणना होगी वह 1 जनवरी 2023 तक की जाएगी। था दोस्तों, 1 जनवरी 2023 तक आप 18 के हो जाने चाहिए और 1 जनवरी 2023 तक ही आप 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस चीज़ का लो आप लोग ध्यान रखे जाएगा। ऑनलाइन आवेदन किया मांगा गया था दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों पदों के लिए मतलब अलग अलग भी आप आवेदन कर सकते हैं, ये सुविधा यहाँ पर दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों, हम बात करें दोस्तों, मतलब इन्होंने कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और दोस्तों मैं जो भी इंपॉर्टेंट्स वो इसमें बात करूँगा। एज की बात दोस्तों मैं बता ही चुका हूँ कि आपको 18 कब तक हो जाना चाहिए, और अधिकतम दोस्तों 35 साल यहाँ पर मांगा गया है। लेकिन दोस्तों, जो राजस्थान के SC ST है उनको मतलब 5 साल की छूट दी गई है, और भी दोस्तों यहाँ पर महिला वगैरह को 10 साल की छूट दी गई है। सिर्फ ये राजस्थान वालों के लिए दोस्तों, अगर अदर स्टेट से आप अप्लाई करते हो तो आपको सुविधा नहीं दी जाएगी। और दोस्तों बात करें अधिकतम आयु की, तो दोस्तों वो राजस्थान वालों के लागू है। अब दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये कि आपकी जो मतलब ये किस इसका सिलेक्शन प्रोसीजर किस प्रकार का रहता है। तो दोस्तों, मैं बात करूँ, इसमें रिटन एग्ज़ाम नहीं होता है, जी हाँ दोस्तों, इसमें सीधे स्किल टेस्ट होता है। और स्किल टेस्ट दोस्तों आपके मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। 10 मिनट की डिटेक्शन दी जाएगी, और दोस्तों उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको 2 घंटे और 20 मिनट हर दोस्तों एक आपको 140 मिनट दिए जाएंगे कुल, जी हाँ दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, सिर्फ इसमें स्किल टेस्ट होगा, इसमें रिटन टेस्ट नहीं होता है। और दोस्तों, इन्होंने नोट करके दे रखा है कि आपको 140 से कम अशुद्धियाँ करोगे तो आपको मतलब सफल घोषित किया जाएगा इस वो आपकी टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो दोस्तों, टोटल आपके 1400 वर्ड बोले जाएंगे, उनमें से दोस्तों आपको 140 से कम ही गलतियां करनी है। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप लोग। और दोस्तों, इसमें ये साफ दे रखा है कि प्रथम चरण में उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वितीय चरण के लिए पात्र होंगे, किंतु द्वितीय चरण की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य। दोस्तों, आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो ओनली क्वालिफाइड नेचर होगा, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। जो मेन आपका सिलेक्शन होगा वो आपका स्किल टेस्ट से ही होगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छी है, जिनका स्किल टेस्ट अच्छा है उसके लिए जरूर आवेदन करें ऑल इंडिया वाले। और दोस्तों, द्वितीय चरण में आपकी टाइपिंग होगी हिंदी या इंग्लिश की, 10 मिनट की होगी। अब टाइपिंग की गति दोस्तों आपके 50 WPM यहाँ पर रखी है विथ एक्यूरेसी। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें, एक बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करती है इस वैकेंसी में। इसके अलावा दोस्तों, बात करें ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन से कि आपको पेन खुद लेकर जाने हैं, किसी तरह का कोई वायलेंस वहाँ पर नहीं करना है। आवेदन शुल्क की दोस्तों मैं बात कर ही चुका हूँ, 500 रुपये, और SC ST वालों को 250 रुपये, सिर्फ राजस्थान वालों को। यदि राजस्थान से आप बाहर हो SC ST वाले, तो उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। और दोस्तों, SMS के थ्रू आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपको एडमिट कार्ड आ गया है। तो दोस्तों, इस बार भी यही प्रोसीजर होगा, समथिंग समथिंग पूरा। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये नियुक्ति की कुछ सामान्य योग्यता है, जो कि दोस्तों सभी जगह बेसिक सी रहती है। तो दोस्तों, ये एक 2017 का नोटिफिकेशन था, उसके बेस पर मैं आपको
दोस्तों इसका ग्रेड पे दोस्तों 48 और एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों आपका राजस्थान में ही होगा। अगर आप ऑल इंडिया सप्लाई करते हो तो राजस्थान में ही होगा और राजस्थान में भी जयपुर में ही होगा मोस्ट ऑफ चांस है। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान आप लोग रखिएगा, अच्छी वैकेंसी है दोस्तों तैयारी करने वालों के लिए। और दोस्तों 100% गारंटी है ये वैकेंसी आपकी सितंबर में देखने को मिल जाएगी। स्पीड 140 WPM है ही और टाइपिंग की 50 WPM है। और दोस्तों इससे रिलेटेड कोई न्यू जानकारी आती है तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल से वैकेंसी की जानकारी मैं चैनल पर लाते रहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।